कैटरीना ने जीता मिशन ससुराल। सिर्फ विकी ही नहीं बल्कि सास ससुर के दिल पर भी चलता है मिसेस कौशल का राज। विकी के मम्मी पापा ने बहू रानी का रखा है बेहद खास नाम, ना कैट ना कैटरीना बल्कि किटो है ससुराल में विकी की दुल्हनिया का नाम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, किटो यही है वो नाम जिससे ससुराल में कैटरीना को बुलाया जाता है। सबसे खास बात तो ये है कि ये नाम किसी और ने नहीं बल्कि खुद विकी के पापा मम्मी श्याम कौशल और वीना कौशल ने अपनी लाडली बहू रानी को दिया है। ये इंटरेस्टिंग खुलासा खुद कैटरीना कैफ ने किया है, वो भी कपिल शर्मा के सामने। दरअसल कैटरीना कैफ अपनी अपकमिंग फिल्म फोन भूत की प्रमोशन के लिए अपने दोनों को स्टार्स के साथ कपिल शर्मा के कॉमेडी शो के सेट पर पहुंची थी। ये पहला मौका था जब विकी से शादी के बाद कैटरीना कपिल शर्मा के शो की मेहमान बनी थी। अब कैटरीना कपिल से मिलने आए और कपिल उनकी मैरिड लाइफ से जुड़े सवाल ना पूछें ये तो हो ही नहीं सकता था। इस दौरान कैटरीना ने बताया कि विकी कौशल से शादी के बाद उनकी लाइफ में कितने खूबसूरत बदलाव आए हैं। साथ ही कैटरीना ने ये भी बताया कि ससुराल में उन्हें किट्टो निकनेम भी मिला है जो उनके सास ससुर ने उन्हें दिया है। हालांकि कैटरीना ने ये भी बताया कि काम की वजह से उन्हें विकी के साथ समय ज्यादा साथ में बिताने के लिए नहीं मिल पाया है, फिर भी दोनों कोशिश करते हैं कि अपने ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे को दे सके। बता दें कि शादी के बाद से ही कैटरीना ने अपने हर त्योहार को ससुराल में रहते हुए सास ससुर के साथ सेलिब्रेट किया है। होली हो या दिवाली या फिर करवा चौथ, हर मौके पर कैटरीना अपने सास ससुर के साथ मौजूद रही हैं और एक सर्वगुण संपन्न बहुरानी की तरह फेस्टिवल को ससुराल में एंजॉय करती दिखी हैं। तस्वीरों में भी कैटरीना की बॉन्डिंग अपनी सास और ससुर के साथ साफ दिखती है। इस फोटो में तो आप कैटरीना को अपनी सास की गोद में बैठे देख सकते हैं। वुमेन्स डे के मौके पर इस तस्वीर को विकी कौशल ने शेयर किया था। तस्वीर में कैटरीना अपने हाथ में गिफ्ट लिए सास की गोद में बैठी थी, तो वहीं सासू माँ वीना कौशल ने बेहद प्यार से अपनी बहुरानी को बाहों में जकड़ा हुआ था। सिर्फ सास ही नहीं बल्कि ससुर श्याम कौशल के साथ भी कैटरीना की बॉन्डिंग जबरदस्त है, क्योंकि कैटरीना पंजाबी परिवार की बहू बनी है। शादी से पहले ही कैटरीना ने पंजाबी बोलने की स्पेशल क्लासेस भी ली थी और अब तो वो अपने ससुराल में थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन ठीक ठाक पंजाबी भी बोल लेती है। हर खास मौके को पूरा कौशल परिवार एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करता है। अब इन बातों से तो साफ जाहिर है कि कैटरीना अपने ससुराल के रंग में पूरी तरह से रंग चुकी हैं। विकी का दिल तो वो बहुत पहले ही जीत चुकी थी, अब कैटरीना अपने सास ससुर का दिल भी जीत चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।